हम बात कर रहे हैं दुनिया भर के सात अद्भुत रिकॉर्ड के बारे में, जिसे तोड़ पाना लगभग मुश्किल लग रहा है, लेकिन रिकॉर्ड बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। हर रोज़ फिल्मी जगत में कई रिकॉर्ड बनते हैं और कई टूटते हैं, लेकिन यह कुछ अद्भुत रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन इसमें सात नंबर पर जो रिकॉर्ड है, इसको कोई चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल गाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। दिस इज़ RMS एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, चलिए आज का एजेंडा शुरू करते हैं। टाइटेनिक। साल 1997 में रिलीज हुई यह फिल्म दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म है। इस फिल्म में सन 1997 में कुल 11 ऑस्कर अवार्ड जीतकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस फिल्म को बने हुए अभी तक 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस फिल्म के इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। एवेंजर इंड गेम। साल 2018 में रिलीज हुई यह फिल्म एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की अगली कड़ी थी। इस फिल्म को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जा रहा है, जहां फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ की कमाई की। वही फिल्म ने पूरी दुनिया में 19,850 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इस फिल्म ने अवतार का रिकॉर्ड तोड़ दिया और विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। यह दुनिया भर की सबसे महंगी फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ऑन स्ट्रेंज टाइड्स है। इस फिल्म का बजट $410 मिलियन है, जो इंडियन रुपए में कन्वर्ट करे तो 2,909 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अभी तक इस रिकॉर्ड को बने हुए 9 साल हो गए, लेकिन यह रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से महंगी फिल्म बनाने का क्रेज चल रहा है, उस हिसाब से यह रिकॉर्ड ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकता है। बाहुबली। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म है जिन्होंने भारत में केवल 21 दिन में 1,000 करोड़ रुपए कमाई की। और एक बात आपको बता दें, भारत में किसी भी फिल्म ने 1,000 करोड़ का कलेक्शन इतने कम दिन में नहीं किया है। जुरासिक वर्ल्ड। जुरासिक वर्ल्ड फिल्म ने मात्र 13 दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 7,000 करोड़ का कलेक्शन किया था। जुरासिक दुनिया भर में सबसे कम दिनों में 7,000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म है, और यह रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे ज़्यादा हफ्तों तक चलने वाली फिल्म है। इसे रिलीज हुए 1,000 से ज़्यादा हफ्ते हो गए हैं, और इस फिल्म का यह रिकॉर्ड अभी तक कायम है। द 13 वॉरियर। यह फिल्म दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। इस फिल्म का बजट 1,120 करोड़ रुपए था, जिसके एवज में फिल्म को सिर्फ 427 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। यह रिकॉर्ड कोई जानबूझकर तोड़ना भी नहीं चाहेगा। अगर अनजाने में भी इस फिल्म का रिकॉर्ड टूटता है तो तोड़ने वाले को बहुत अफसोस होगा। तो गाइस, आप लोग को इन सब रिकॉर्ड में से कौन सा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा पसंद आए, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।